ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है लगातार इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके, यूके को लेके हर लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो यूके जनवरी इनटेक एक बड़ा इनटेक बन गया, ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा रश इस इनटेक में भी चल रहा है, रेगुलर एप्लीकेशन चल रही हैं। और इसका मेजर कारण है यूके के अंदर बहुत सारा रिलैक्सेशन वर्क परमिट को लेके, पीआर को लेके और प्लस स्टडी को भी लेके। सो ये सारे रिलैक्सेशन डेफिनेटली स्टूडेंट को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी से अपनी एप्लीकेशन को लगाए। और यूके के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जैन इनटेक में जो ध्यान रखनी है आपको, पहली तो ये जिसकी डेडलाइन ऑलमोस्ट आ चुकी है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज 30th of September को नई एप्लीकेशंस लेना बंद कर देंगी और उसमें से कुछ ही अक्टूबर में कंटिन्यू करेंगी और वो भी शायद मिड ऑफ अक्टूबर तक मैक्सिमम। तो इस चीज़ को तो नोट कर लें कि 30 के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी एप्लीकेशन नहीं लेंगी, सो अपनी एप्लीकेशंस को टाइमली शुरू कर लें। सेकेंडली, सेप्टेम्बर इनटेक में अभी इक्का दुक्का इंटरव्यूज़ देखने को मिले हैं एम्बेसी की तरफ से। सरप्राइज के तौर पर छोटा इंटरव्यू आता है 3-4 मिनट का, लेकिन आ सकता है। इसके लिए इंटरव्यू की तैयारी अपनी ज़रूर स्ट्रांगली करके चले, अच्छे से अपने प्रोफाइल्स के बारे में, केस के बारे में आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए। एंड उसके बाद इम्पॉर्टेंट है आपके फंड्स, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तकरीबन अक्टूबर एंड तक आपसे 28 दिन पुराने फंड्स मांगेंगी। और जो लेट अप्लाई कर रहे हैं वो सोचते हैं कि पहले ऑफर लेटर आएगा फिर फंड का देखते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू रन द थिंग्स इन हैंड। सो अपनी वो चीज़ें भी, बैकअप भी अपना रेडी करना शुरू कर दें, अदरवाइज़ यू वुड बी अगेन अ ट्रबल कि आपको खास लेटर टाइम से नहीं मिला बिकॉज फंड के डॉक्यूमेंट टाइम से नहीं गए। इन चीज़ों के ऊपर खास ध्यान दें जो मैं आपको कह रहा हूँ, इनको अंडर एस्टिमेट करके ना चले। This is my personal advice to you. उसके बाद यूके के अंदर जो चीजें हैं वो काफी स्मूथली चल रही है और मोस्ट लाइकली जनवरी भी स्मूथ रहेगा। एडमिशन प्रोसेस जरूर लंबा है, प्रायोरिटी सर्विस स्टूडेंट के लिए ओपन है और जैन इनटेक भी ऑलमोस्ट ओपन ही रहेगी, बंद होने के इसके चांसेस कम है। बहुत सारे जैन के स्टूडेंट नवंबर में अपने वीजास रिसीव कर लेंगे, लेकिन स्पाउस वीजास के लिए अभी भी प्रायोरिटी सर्विस ओपन नहीं हुई है। सो जो लोग कहीं ना कहीं ये मंशा रखते हैं कि वो साथ में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो और भी ज़रूरी है कि वो अपनी एप्लीकेशंस को टाइमली शुरू करें, क्योंकि स्टूडेंट तो प्रायोरिटी पे वीज़ा ले लेगा लेकिन स्पाउस प्रायोरिटी पे वीज़ा नहीं ले सकता, तो उसे अपना जो इंतज़ार है वो रिजल्ट का 1 महीने का करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट की फाइल भी वेल इन एडवांस टाइम जाए ताकि आप एक साथ ट्रैवल कर सकें, अदरवाइज यू वुड बी इन अ ट्रबल। और जो एडमिशंस हैं लिमिटेड बची हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके ब्रॉडवे की टीम से आप चेक कर सकते हो कहाँ पर आप एलिजिबल हो कहाँ नहीं, और अप्लाई चाहे आप कहीं से करो जहाँ आपकी इच्छा हो, लेकिन ब्रॉडवे से आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो बिना अप्लाई किए भी। और हमारी कोशिश हर बच्चे को बेस्ट सर्विस देने की रहती है, दैट इज़ अ रीज़न कि आपने ब्रॉडवे को फैलाकर इतना बड़ा कर दिया कि हमारे ऑफिसेज अब पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा में, देन उसके बाद न्यू दिल्ली नेताजी सुभाष पैलेस, गुजरात, अहमदाबाद में आप हमें मिल सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन चला सकते हैं। अगर आप दूर से हैं तो आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप यूके के लिए अपना पूरा केस हमारे साथ एक पैकेज में चला सकते हैं, मतलब आप सारे पैसे देंगे वीज़ा लगने के बाद। सो इससे बड़ा बेनिफिट आपको और क्या दे सकते हैं हम कि आपको सारा खर्चा तभी करना है, चाहे यूनिवर्सिटी फ़ी है, अदर एक्सपेंसेस हैं, जिस दिन आपका वीज़ा आएगा। सो निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर यूके के लिए अपनी एप्लीकेशंस को इमीडिएटली स्टार्ट कर लें, क्योंकि 30th of September बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की लास्ट डेट है और अक्टूबर में फिर आपको ऑप्शंस लिमिटेड मिलेंगी। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।